इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में होली पर्व के बाद रंग पंचमी पर इस बार भी राजवाड़ा क्षेत्र में रंगारंग गैर निकलेगी। इसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों, आयोजकों व अन्य लोगों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण बैठक ली और कई तरह के दिशा निर्देश दिए। रंगों के त्योहार होली के बाद आने वाली रंग पंचमी पर्व पर इंदौर में हर वर्ष की तरह ऐतिहासिक रंग गुलाल की गैर निकाली जाती है, जो कि देश के साथ ही अब विदेश में भी प्रसिद्धि पा चुकी है। इस बार रंग पंचमी पर्व पर निकलने वाली रंगारंग गैर को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बैठक आयोजित की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करवाने के साथ ही इस गैर में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहेगी और प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। वहीं गैर में चाकू या अन्य तरह के हथियार पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने निकलने वाली गैर को लेकर और भी कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां दी। गैर इंदौर की परंपरा का बहुत ही गौरवशाली और अभिन्न हिस्सा है और इसके संबंध में आज एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बैठक सभी आयोजकों के साथ में और प्रशासन की पूरी टीम के साथ में आयोजित करी गई है। 2-3 इसमें चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तो क्रम को लेके एक निर्णय हुआ है, जिसमें कि जो गैर का क्रम था वो थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें से जो तीसरे नंबर वाली गैर थी वो एक नंबर पर और बाकी सारी उसके बाद से उसमें निकाली जाएंगी और इस हेतु सभी आयोजकों की सहमति के पश्चात ही निर्णय लिया गया है। दूसरा, जो कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे पानी के टैंकर को साथ में चलाने से संबंधित या फिर अन्य पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था से संबंधित, उससे संबंधित निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। हमारे द्वारा CCTV और ड्रोन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी, जिससे कि बहुत ही भव्य तरीके से लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इसको आयोजित किया जा सके। प्रत्येक जितने भी 6 गैर हैं उनके साथ में एक नोडल अधिकारी के रूप में एक पुलिस और नगर निगम का अधिकारी भी हम लोग साथ में लगाएंगे, जिससे कि अगर कहीं कोई पॉइंट आता है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जा सके। विगत दिवस में कुछ इस तरीके की घटनाएं भी देखी गई थी कि चाकू या इस प्रकार की कोई चीज़ लेकर कुछ लोग उसमें यात्रा में शामिल हुए थे, जो पूरी तरीके से अस्वीकार्य है और इस संबंध में निर्देश प्रदान किए गए। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर ऐसा करता दिखाई पड़ेगा तो सीधे उसके विरुद्ध में NSA रासुका लगाई जाएगी, जिससे कि एक कड़ा मैसेज दिया जा सके। चूंकि आचार संहिता भी प्रभावशील है, इसीलिए राजनीतिक चिन्हों का उपयोग ना हो, ये भी बैठक में हम लोगों की तरफ से सभी को सुझाव दिया गया है, क्योंकि आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करना भी अनिवार्य है। कुल मिलाकर हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो मदद लगती है वो पूरी करी जाएगी और सभी के द्वारा, आयोजकों के द्वारा भी हमको सहयोग करने हेतु आश्वासन दिया गया है, जो परंपरागत ढंग से गौरवशाली तरीके से भव्य तरीके से गैर निकलती है उतने ही भव्य तरीके से हम लोग इस बार भी इसको निकालेंगे। पूरे आ जाते हैं और कार्यक्रम को भंग करने की कोशिश, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हम लोग ड्रोन से और CCTV कैमरों से पूरी नजर रखेंगे और इस प्रकार से अगर कोई अराजकता या शांति उत्पन्न करता हुआ या जो परंपरा का हिस्सा नहीं है उसके वायलेशन में अगर कोई चीज करते पाया गया तो बहुत कड़ी कार्रवाई हमारे द्वारा करी जाएगी और खास तौर पर जो चाकू है इस प्रकार से अगर किसी चीज के साथ में कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके विरुद्ध राष्ट्रपति की कार्रवाई करी जाएगी।